हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का फिर से एक इन्फॉर्मेटिव और बिल्कुल नए वीडियो पर स्वागत है। आज के लिए बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र सेविका सहायिका उनके मानदेय पोषाहार ऑनलाइन ऑफलाइन काम किसी प्रकार का जागरूकता अभियान कोई कार्यक्रम मानदेय का भुगतान अन्नप्राशन गोदभाई मोबाइल रिचार्ज का पैसा पोषण ट्रैकर ऐप का कोई अपडेट इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण रजिस्टर मेंटेन टीएचआर पोषाहार इसके अलावा किसी प्रकार की आज के जो महत्वपूर्ण जानकारी चलिए हम आगे आपको इस वीडियो में देते हैं। आपको मालूम है जब तक आपके एरिया में आपके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव समाप्त नहीं होगा कुछ न कुछ काम इसके संबंध में करना होगा। जागरूकता संबंधी काम यह पश्चिमी चंपारण जिले से मुझे प्राप्त हुआ, चलिए आपको खबर आगे दिखा देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से यहाँ पर जागरूकता संबंधी काम के संबंध में एक खबर निकल के सामने आ रही है। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की खबर है। आप सभी को मालूम है आपके ग्रुप में भी कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स को स्वीप कार्यक्रम के तहत जो है जागरूकता रैली आयोजित करने के लिए उसका डिटेल भेजने के लिए कहा गया हो। तो स्वीप कार्यक्रम आखिर है क्या? ये एक तरह से मतदाता जागरूकता के संबंध में रैली, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेविकाएँ शामिल है और यहाँ पर चनपटिया जो पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आता है वहाँ पर जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा गौनाहा प्रखंड में भी यहाँ पर देख पा रहे स्वीप अभियान और बैनर पोस्टर को लेकर के नारा लिख करके ये काम शुरू किया जाए, इसमें सेविकाओं सहायिकाओं की भागीदारी ली जा रही है। जब तक आपके लोकसभा क्षेत्र से चुनाव समाप्त नहीं हो जाता तब तक आपको ये कार्यक्रम और काम करना होगा। लिखा गया है कि पहकौल में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली और चनपटिया में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। और कल के ही वीडियो में मैंने आप सभी को दिखाया था कि किस प्रकार ICDS के जो है सारण जिले में लेटर आया हुआ है छपरा में कि वहाँ पर सेविका सहायिका को अपने पोषक क्षेत्र गर्भवती महिलाओं को जो वोट देने वाली हैं उनको केंद्र पर ले जा करके वोट दिलवाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। और चुनाव की जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। यहाँ पर देखिए लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए चनपटिया में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। स्वीप कार्यक्रम के तहत यहाँ चलाया गया CDPO श्वेता कुमारी और कई महिला प्रवेशिकाएं और सेविकाएं यहाँ पर इस जागरूकता रैली में शामिल थी। यहाँ भी सेम वही कार्यक्रम जो है आपको दिखाई दे रहा है। उम्मीद करूँगा आप लोग अपना काम सही तरीके से कर रही होंगी। चुनाव तक ये परेशानी है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।